guys, welcome back to the channel. Hope all are doing very well. It is another whole day vlog jiske andar cooking, cleaning aur bhi bahut sare cheeze. I hope is vlog acha lagega and aaj bahut sundar sa dhoop nikla hai. Abhi temperature minus pe chal raha hai aur jis din dhoop nikalte hai na mujhe to sukoon sa aata hai and wo jo white color ka dikh raha hai halka sa snow bhi gira hai. Then main aa gayi hu kitchen pe, aaj banaungi South Indian breakfast. मैं बैटर ज़्यादा बना के स्टोर करके रख देती हूँ 4-5 दिन के लिए. जितना भी चाहिए उसमें से निकाल लेती हूँ, फिर उसको स्टोर करके फ्रीज में रख देती हूँ. और ये अच्छा भी रहता है, 4-5 दिन तो मेरा हो ही जाता है. एंड ये कि बैटर पे डोसा एंड इडली तो बन ही जाता है, इसलिए ये ईजी है कि हाँ एक बार बैटर बना लो उसके बाद उसको स्टोर करके रख दो. इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है एंड इसको मिक्स कर लूँगी. ये रेडी हो गया है बनाने के लिए. मैं सांचे पे तेल लगा रही हूँ क्योंकि इडली लगेगा नहीं. और मेरे पास इडली का पूरा सेट नहीं है क्योंकि वो हैवी होगा, इसलिए मैं इंडिया से नहीं लाई थी. सिर्फ ये सांची लाई थी 3 लेयर वाला. ये थोड़ा लाइट वेट है इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ. और इसमें से ठीक ठाक इडली बन ही जाता है. इडली बनाना बहुत ईजी होता है कंपेरेटिव टू डोसा, क्योंकि इडली को एक बार बना के गैस पे बिठा दो, फिर इधर उधर घूमते रहो एंड बीच बीच पे आके चेक करो. बट डोसा के केस में कंस्टेंट खड़ा है कि उसको बनाना पड़ता है. एंड हम मॉर्निंग पे इडली प्रीफर करते हैं एंड इवनिंग को डोसा. बट बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि मॉर्निंग को डोसा, बट हम लोग थोड़ा मॉर्निंग को नहीं इवनिंग को वो प्रीफर करते हैं. एंड यहाँ पे जिस हांडी पे मैं राइस बनाती हूँ उस पे से ही बना रही हूँ. यहाँ पे डाल दिया, देन इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी. इडली बन गया है एंड इडली के साथ मैं बादाम की चटनी एंड ग्रीन चटनी बनाई हूँ. इसको भी मैंने ज़्यादा बना लिया हूँ और इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी. जब भी दोबारा कुछ बनाऊँगी ये यूज़ कर लूँगी. ये फ्लावर प्लांट पता नहीं क्यों सूख जा रहा है, इसलिए जिस दिन धूप निकलता है मैं इसको बाहर मतलब बालकनी पे रख देती हूँ, नहीं तो ग्लास के साइड में बिठा देती हूँ ताकि इसे धूप लग सके. पता नहीं क्या हुआ है इस प्लांट को. फिर देख रही हूँ एक दो ब्रांचेस नया जनरेट हुआ है एंड इसको जब भी मैं नीचे रखती हूँ आधे इसका पत्ते को तोड़ने लगता है, इसलिए मैं इसको सारे टाइम ऊपर ही रख देती हूँ.
आज मैंने लंच पे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ फिश करी और आदि के लिए दाल फ्राई एंड बड़ी बनाया हूँ। एंड ये हमारे घर के नीचे जो रोड का काम हो रहा है, इतना साउंड कर रहे हैं ये लोग, दोपहर को ही साउंड कर रहे, सुबह से कुछ नहीं, सिर्फ सोने का टाइम दोपहर को लंच के बाद तभी साउंड कर रहे हैं। 3-4 दिन हो गया ये लोग दोपहर को ही काम कर रहे हैं। एंड आदि को मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है। देन मैं आ गई हूँ लंच के बाद किचन क्लीन करने के लिए। मैं बना रही हूँ केले का बर्फी। बहुत सारे केले फार्मर मार्केट से तो अपन लाए थे, वो सारे ख़राब हो रहा था, सोचा कि केले का बर्फी ही बना लेती हूँ। मैंने गुड़ को छोटे छोटे करके कट कर लिया है, इसके ऊपर गर्म पानी डाल के 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। देन मैं केला को काट के पेस्ट बना रही हूँ। इस साइज़ का 3 केला लिया है यहाँ पर मैंने, और इतना ठंड में ज़्यादा केला खा भी नहीं सकते, इसलिए बनाना बर्फी बना लेने से वो स्वीट भी बन जाता है और हमारा वेस्ट भी नहीं होता है। केले का पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। एंड दूसरे साइड मैंने गैस पे कढ़ाई बिठाया, देन उस पर ऐड करूँगी ये घी। ये घी मैंने इंडिया से लाई थी, प्योर घी है, होममेड है, इसको डालूँगी उस कढ़ाई पे। यहाँ पे मैंने 1 स्पून घी यूज कर रही हूँ, क्योंकि घी मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, बट आप ज़्यादा घी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा घी ऐड करने से मिठाई का फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। देन मैंने 3 स्पून आटा और 2 स्पून मैदा को लेके उस घी के साथ मिक्स कर रही हूँ। मैदा एंड आटा को हल्का सा फ्राई करने के बाद उसमें मैंने 1 स्पून सूजी ऐड किया, इसको गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। सारे चीज़ मिक्स होके गोल्डन कलर का मिक्सचर बन गया है। देन जो बनाना प्यूरी मैंने बना के रखी थी उसमें ऐड कर दिया बनाना प्यूरी। इसको कंटिन्यूस चलाना है, क्योंकि नहीं तो लग जाएगा कढ़ाई पे। और जो गुड़ को मैंने भिगो के रखी थी उसमें ऐड कर दिया, कुछ मेल्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ये हीट होने से सारे गुड़ मेल्ट हो जाएगा। इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि सारे गुड़ मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसको चलाऊँगी। दूसरे साइड मैंने इसमें जो भी ड्राई फ्रूट यूज़ करूँगी उसको कट कर रही हूँ। मेरे पास काजू एंड आलमंड है, इसलिए मैं काजू एंड आलमंड यूज़ कर रही हूँ। आपके पास और भी जो ड्राई फ्रूट यानी पिस्ता और भी जो ड्राई फ्रूट होगा आप यूज़ कर सकते हैं। बनाना की बर्फी ऑलमोस्ट बन गया है, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड किया और जो भी ड्राई फ्रूट लास्ट पे ऐड करूँगी, इसको ऐड करके मिक्स कर दिया और सारे ड्राई फ्रूट लास्ट पे ऐड करूँगी। लास्ट में सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करके हाथ पे ऐसे प्रेस कर देना है, क्योंकि जो भी गैप है नीचे वो कवर होके एक सॉलिड स्वीट की तरह बन जाएगा। देन इसको कूल होने के लिए कुछ टाइम रख देती हूँ, ऐसे भी खा सकती हूँ बट ये चिपक जाएगा पूरा हाथ पे, और कूल हो जाने से ये सारे जैसे नॉर्मल स्वीट होता है उस टाइप का हो जाएगा। देन रेडी हो गया है मेरा बनाना बर्फी।
कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आधिका नींद टूट गया है, वो कंप्लीट सोया नहीं है, उठ के उसको गोद चाहिए। जिस दिन भी वो कंप्लीट नहीं सोता है, नहीं तो कंप्लीट सो जाता है तो उठ के खेलता है, बट जिस दिन नहीं होता है ऐसे, वो उठ के थोड़ा टाइम तो गोद में बैठेगा। रात को ही मैं डस्टबिन का प्लास्टिक चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो अपन का ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, वो गार्बेज फेंकने नहीं जा पाते हो, रोज रात को ही फेंक के आते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।